हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दी माय चैनल सीक्रेट रेसिपी बाय प्रियंका। आज हम बनाने जा रहे हैं दम आलू। तो उसके लिए सबसे पहले मैंने 200 ग्राम के करीब आलू, छोटे छोटे साइज़ के आलू ले लिए हैं। इसे बॉईल कर लेंगे। बॉईल करके इसका छिलका निकाल लेंगे। छिलका निकाल कर इसे मैंने अच्छी तरह रख लिया। मैंने छोटे छोटे साइज़ के आलू लिए हैं, लाल आलू जो अभी आ रहे हैं। अब इसे मैंने सरसों तेल लिया है। सरसों तेल में आज हम ये आलू की सब्ज़ी सरसों तेल में पकाएंगे। तो एक कढ़ाई मैंने गर्म होने के लिए रख दिया था। अब इसमें हम सरसों का तेल डालेंगे। सरसों का तेल डालेंगे, तेल डालकर गर्म होने देंगे। जब तेल अच्छी तरह गर्म हो जाए तब इसमें हम आलू को फ्राई करने के लिए डालेंगे। मैंने छोटे छोटे साइज़ के आलू लिए हैं। ये पहाड़ी आलू हैं, रेड वाले। इसे बॉईल कर लिया था मैंने 3 से 4 सीटी। बॉईल करने के बाद इसका छिलका निकाल कर रख लिया था। अब इसे अच्छे से फ्राई होने देंगे जब तक कि इसमें रेड रेड गोल्डन ब्राउन दिखने ना लगे। तब तक इसे फ्राई कर लेंगे। हमारा आलू आप देख पा रहे हैं गोल्डन ब्राउन हो चुका है। अब इसे मैं बाहर निकाल लूँगी। अब इसमें हम 2 बारीक कटे हुए प्याज और लाल मिर्च मैंने फ्राई करने के लिए डाला है कढ़ाई में सरसों के तेल में। जब ये थोड़ा हल्का फ्राई हो जाए तब इसमें हम 2 बारीक दो रफली चॉप किए हुए टमाटर भी डाले हैं। ऐसे अच्छे से फ्राई कर लेंगे। दोनों को अच्छे से फ्राई कर लेंगे। मैंने दोनों भी रफली चॉप किए थे। जब ये अच्छे से फ्राई हो जाए तो इसे जार में निकाल लेंगे। मैंने एक जार में इसे निकाल लिया था पेस्ट बनाने के लिए। इसका अब कढ़ाई में मैंने खड़े मसाले ऐड किए हैं। खड़े मसाले, जीरा और थोड़ा सा सौंफ डाला है। अब ये जो पेस्ट हमने बनाया है उसे कढ़ाई में डाल देंगे और इसे अच्छे से भून लेंगे। इसमें मैंने नमक ऐड किया है टेस्ट के अकॉर्डिंग। आप जितना चाहें उतना नमक डाल सकते हैं। गरम मसाला, हल्दी पाउडर, जीरा पाउडर, धनिया पाउडर मिलाकर इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अच्छे से मिला ले, पका लेंगे इसे जब तक तेल हम छोड़ने न लगे। मसाले तेल छोड़ने लगे हैं, आप देख पा रहे हैं सारा एक जगह इकट्ठा हो रहा है मसाला। तो ऐसे इस पोजीशन पे हम इसमें पानी डालेंगे। इसमें मैंने पानी आधा ग्लास के करीब डाला है। इसे अच्छे से मिला लेंगे। मिलाने के बाद अब इसमें हम जिंजर गार्लिक चिली का पेस्ट मैंने पहले से रेडी करके रखा था वो डाला। वो डालने के बाद अब इसमें हम आलू जो फ्राई करके रखा था साइड में वो भी डाल दिया है। डालने के बाद इसे कवर लगाकर अच्छे से पकने देंगे। एक बॉयल आ चुका है, इसे हम बीच में चेक कर लेंगे, हिला लेंगे अच्छे से। देख पा रहे हैं अभी ग्रेवी कितनी अच्छी लग रही है। इसे थोड़ी देर और पकने देंगे ताकि ग्रेवी थोड़ी और गाढ़ी हो जाए। जब ग्रेवी अच्छे से गाढ़ी हो जाए तब इसमें हम हरा धनिया डाल देंगे। हरा धनिया डालने के बाद इसे अच्छे से मिला लेंगे और गर्मा गर्म रोटी के साथ इसे सर्व करेंगे। हमारा दम आलू बनके रेडी है।